बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एज यू नो, ड्यू टू कोविड वी आर अगेन गिविंग यू ऑनलाइन क्लासेस। दिस लेक्चर इज ऑफ जनरल साइंस फॉर क्लास 10 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टर्म। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 7 व्हिच इज एनर्जी। योर पेज नंबर इज 91। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक लिविंग बॉडी की एबिलिटी है कि वो कैसे काम करता है, या फिर वो काम करने के लिए उसको जो चीज़ चाहिए उसको हम एनर्जी कहते हैं। सो एनर्जी इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एनर्जी इज़ यूज इन आर डेली लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म्स। हम अपनी डेली रूटीन में एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। हमारे घर में जो बल्ब ऑन हो रहा है उसमें लाइट एनर्जी है, उसमें हीट एनर्जी है। इसके अलावा हम जो फैन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये तो जनरल मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। हमारी बॉडी भी एनर्जी यूज़ करती है काम करने के लिए। अगर हम लिख रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो एबिलिटी है हमें वो काम कराने के लिए, उसको हम एनर्जी कहते हैं। सो वी डू मैनी टास्क फ्रॉम डॉन टिल डस्क। फॉर दिस वी हैव टू स्पेंड एनर्जी। वेन वी गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग वी फील हंग्री, वी टेक फूड विच प्रोवाइड अस एनर्जी। सो हमारी बॉडी को एक्चुअली में एनर्जी कहाँ से मिल रही है? जो हम खाना खाते हैं, जो फूड ले रहे हैं, उसमें एनर्जी होती है। उसमें हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, और ये सारे जो भी मैंने आपको भी बताए हैं, इन सब के अंदर CH बॉन्ड्स होते हैं। जब वो CH बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए। वी कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट लाइट। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमारा जो सन है वो भी हमें लाइट दे रहा है, हीट दे रहा है। सो बेसिकली जो इवन जो हम खाना भी खा रहे हैं, तो वो जो खाना हमें कहाँ से मिलता है? वो प्लांट्स से मिल रहा है। और प्लांट्स कहाँ से अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं? वो एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, उससे प्रिपेयर करते हैं। और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें सनलाइट का मिलना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि लाइट हमारे लिए एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वी रिक्वायर्ड हीट टू वार्म आर सेल्फ इन विंटर। हीट इज़ येट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को भी वो कह रहे हैं एनर्जी की एक और फॉर्म है। हमें सर्दियों में गर्म रहने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें अपना फूड कुक करने के लिए भी हीट की ज़रूरत होती है। इन समर्स वी यूज़ फैंस, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स फॉर कूलिंग। बिसाइड देम वी यूज़ मैनी अदर अप्लायंसेज, ऑल ऑफ देम वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड देम एनर्जी टू रन। ठीक है, सो ये हमारी डेली रूटीन में जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो अगेन एनर्जी पर चल रही हैं, उन्होंने यहाँ पर वो बताया कि हमारे घर में जो फैंस हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूब्स हैं, हमारे TV हैं, इवन हमारे फ़ोन हैं, इन सब में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। All of motorbikes, heavy vehicles, aeroplanes and ships consumes fuel which provide energy. Again वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी जो vehicles हैं, bikes हैं, buses हैं, cars हैं, ये सब भी जो energy ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? वो fuel से ले रहे हैं। As our usage for machines increases, our requirement of energy also increases. वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम machines को अपनी life में लेकर आ रहे हैं, routine में लेकर आ रहे हैं, उसी तरह हमें energy की जो requirement है हमारी, वो भी ज़्यादा होती जा रही है। Next page, work and energy. For the proper definition of energy, we should first learn about work. Work काम करने को कहते हैं, और energy जो हम जो अभी मैंने आपको बताया कि जो ability है किसी भी living body की, living body नहीं किसी भी body की, कि वो कुछ भी काम करे, उस ability को हम energy में लेके आ रहे हैं। So पहले बात तो ये थी कि energy हमें चाहिए क्यों? काम करने के लिए। अब काम क्या है? So हम अब वो पढ़ने लगे हैं, work. For a person, work in an office for the whole day, or a worker holds up a wooden box for half an hour. उन्होंने यहाँ पे आपको एक example दिया कि आप suppose करो कि दो person हैं, उनमें से एक person है जो कि office में बैठ के सारा दिन काम कर रहा है। ठीक है, whether वो computer पे कर रहा है या वो किसी register पे कर रहा है, पर वो office में बैठ के कर रहा है। और उसी के opposite एक दूसरा person है जो कि एक wooden box है, उसको उसने कह लें कि पकड़ा हुआ है, उठाया हुआ है, या
स्ट्रेच यानी पुश कर रहा है या पुल कर रहा है एक वुडन बॉक्स के साथ वो काम कर रहा है और तकरीबन दोनों ने आधा घंटा काम किया। अपेरेंटली बोथ ऑफ देम हैव परफॉर्म वर्क वगैरह, दिखने में तो यही हमें लगेगा ना, जो ऑफिस वाला है वो भी काम कर रहा है और जिसने वो वुडन बॉक्स को पकड़ा हुआ है होल्ड किया हुआ है वो भी काम कर रहा है। बट इन द साइंटिफिक टर्म दिस वुड नॉट बी कंसिडर एज वर्क, लेकिन वो कह रहे हैं अगर हम साइंस की टर्म्स में इसको पढ़ें तो इसने काम नहीं किया। देर इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड देन द फोर्स इज सेट टू हैव डन वर्क ऑन द बॉडी। सो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम फिजिक्स में एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं वर्क की, जिसमें कहा जा रहा है कि वर्क क्या है, एक फोर्स है जो आप किसी बॉडी पर लगा रहे हो और वो बॉडी उस रिजल्ट में अपनी जगह से हिलती है। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह को छोड़ के एक पोजिशन से चेंज होकर दूसरी पोजिशन पर आना, ठीक है। सो वेदर एक पर्सन ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है या फिर एक पर्सन ने वुडन बॉक्स को सिर्फ हाथ में पकड़ के रखा है, दिखने में तो दोनों काम कर रहे हैं लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में या साइंस के टर्म्स में वो काम नहीं कर रहे हैं। काम वही होगा जो हम किसी भी चीज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज करें। तो सो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब यहाँ पे वर्क की आपको डेफिनेशन बता रहे हैं कि वर्क क्या है, प्रोडक्ट है किस चीज का, फोर्स का और डिस्टेंस का, और डिस्टेंस किस जगह पे हो रहा है, जिस साइड पर आप फोर्स को लगा रहे हो, डैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये वर्क की आप कह लो कि सिंबल्स में आ जाता है साथ में या फिर उसका आप इक्वेजन कह लो। देन द यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल जे। द एबिलिटी of a body to do work is known as energy. So energy is defined as energy is the ability to do work. So अब यहाँ पे उन्होंने proper आपको energy की भी definition दे दी है कि energy क्या है, किसी भी body में जो ability होती है काम करने की उसको हम energy कहते हैं। Since the unit for work is joule, therefore the unit for energy is also joule. अगर work का unit joule है तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि energy का भी unit joule ही है। सो आज हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में इतना सा ही करेंगे, आप इतना ही याद करें, आपके लिए वर्क की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन, इनकी इक्वेशन, इनकी यूनिट्स और जो एग्जांपल दिए हैं ये आपने मस्ट याद करनी है और अपनी कॉपीज पर इसको लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।